So here is the another question for us in the from the derivative chapter. Electra Space is consumer electronic wholesaler. Electra Space एक consumer electronics का wholesale dealer है. The business of the firm is highly seasonal in nature. Firm का business काफी seasonal है nature में. In 6 months of a year, the firm has a huge cash deposits and especially near Christmas time, another 6 months firm has a cash crunch. Leading to borrowing of money to cover up its exposure for running the business. पहले 6 महीने में काफ़ी कैश डिपॉजिट रहता है कंपनी के पास में, और आखिरी के 6 महीनों में इतना कैश क्रंच हो जाता है कि कंपनी को उधार लेना पड़ता है, सॉरी लोन लेना पड़ता है. इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट फर्म शल बोरो अ सम ऑफ ₹50 मिलियन फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ अ स्लैक सीजन इन अबाउट 3 मंथ्स. सो ठीक 3 महीनों में वो 6 महीने वाला पीरियड शुरू होने वाला है, तो आज से ठीक 3 महीने बाद 6 महीने के लिए आप €50 मिलियन बोरो करोगे ऐसा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो स्लैक सीजन में कंपनी के पास कैश क्रंच होता है, कैश की बहुत कमी होती है, इसलिए बोरो करना पड़ता है. तो 50 मिलियन के आसपास कुछ हम बोरो करेंगे 6 महीने के लिए, वो भी कब, आज से ठीक 3 महीनों बाद, ये ऐसा एक्सपेक्टेड है. अब बैंक हैज़ गिवन द फॉलोइंग कोटेशंस. अब आपको आज ही रेट फिक्स करना है कि आज से ठीक 3 महीने बाद आप क्या रेट पे 6 महीने के लिए बोरो करने वाले हो. तो आप बैंक जाते हो और बैंक ने कोट्स दिए नीचे. स्पॉट रेट है 5.50%, 5.75%, यानी आज अगर बोरो करना है आपको तो ये रेट लगेंगे. लेकिन 3/6 FRA चाहिए तो 5.59 और 5.82% है, और 3/9 FRA चाहिए तो 5.64 और 5.94% का इंटरेस्ट रेट लगेगा. 3 मंथ्स 50,000 यूरो का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिंग इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इज कोटेड एट 94.15, दैट इज 5.85%. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हाउ अ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट शाल बी यूजफुल इफ द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आफ्टर 3 मंथ्स टर्न आउट टू बी एज फॉलोज. अब आपको क्या निकाल क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि 3 महीने का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, 50,000 यूरो के कॉन्ट्रैक्ट का साइज है ना, और क्या रेट पे अवेलेबल है, 94.15. सी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में क्या होता है, टोटल होता है 100, है ना. अगर 5.85% आपका इंटरेस्ट का रेट चल रहा है तो फ्यूचर्स का रेट कितना होता है पता है, 100 माइनस इंटरेस्ट रेट. तो 100 माइनस 5.85 करोगे तो ऑटोमेटिकली 94.15 आएगा, जो फ्यूचर्स का रेट बन जाएगा. अब आपको क्या बताना है कि किस तरह से, हाउ ऑफ एफ आर ए, हाउ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट शॉल बी यूजफुल, किस तरह से ये एफ आर ए यूजफुल होगा अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट 3 महीने बाद या तो 4.5 हो जाता है या तो 6.5 हो जाता है. उसके बाद हाउ 3 मंथ्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शेल बी यूजफुल फॉर कंपनी इफ इंटरेस्ट रेट टर्न आउट एज मेंशन्ड इन पार्ट ए अबव, और किस तरह से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का हेल्प करेगा अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर दिए गए रेट्स जितने हो जाते हैं ठीक 3 महीने बाद. तो आपको पहले वाले पार्ट में एफ आर ए के बारे में बताना है किस तरह से एफ आर ए यूजफुल था, सेकेंड वाले पार्ट में आपको फ्यूचर्स के बारे में बताना है. तो दो चीज़ आप काफ़ी अंडरलाइन कर लेंगे इस क्वेश्चन में. पहले वाले पार्ट में हमको एफ आर ए निकालना है किस तरह से यूजफुल है, सेकेंड वाले पार्ट में हमको 3 मंथ्स फ्यूचर्स निकालना है किस तरह से यूजफुल है हमारी पोजीशन को कवर करने के लिए. और ये ना भूले कि हमको 50 मिलियन यूरोस लगेंगे जितना बोरो करना है. तो ये सब इंटरेस्ट रेट अगर कैलकुलेट करना है, अमाउंट निकालना है, तो 50 मिलियन यूरो पे निकालना पड़ेगा, वो भी सिर्फ 6 महीनों के लिए, आज से ठीक 3 महीने बाद. सो लेट्स सी कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो वी हैव बीन गिवन विद अ कंपनी जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक होलसेलर है, और फर्म की सिचुएशन कुछ और ऐसी रहती है कि अगर ये एक साल ये फर्म ले रहते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रा स्पेस, ये 3 महीने 6, 9 और 12, ठीक है. फर्म की सिचुएशन कुछ ऐसी रहती है कि ये पीरियड में इसके पास बहुत सारा कैश रहता है, लेकिन ये जो बाकी का 6 महीना है उसमें उसके पास कैश क्रंच होता है. तो होता क्या है कि पहले 6 महीने तो बहुत कैश कैश अवेलेबल रहता है, और आखिरी के 6 महीनों में हमको बोरो करना पड़ता है. अगर कैश नहीं है तो कैश हमको कहीं और से लाना पड़ेगा, लोन लेने के लोन लेना पड़ेगा, ठीक है. और कंपनी की सिचुएशन कुछ ऐसी दी हुई है कि आज से ठीक 3 महीने में एक्सपेक्टेड है कि वो बोरो करेगी 50 मिलियन यूरोस.
यानी वो हो सकता है यहाँ पे खड़ी हो अभी, आज से ठीक 3 महीने में वो 6 महीने वाला पीरियड शुरू हो जाएगा, तो आज से ठीक 3 महीने में 6 महीने के लिए आप 50 मिलियन यूरोस का लोन लोगे, ये आपको पता है। यानी मैं इलेक्ट्रा स्पेस हूँ, आज से ठीक 3 महीने बाद मैं लोन लेने जाऊंगा, जब मैं लोन लेने जाऊंगा मार्केट में, तो मार्केट में कुछ इंटरेस्ट रेट होगा, उस इंटरेस्ट रेट पे मैं लोन लूंगा। सोचो, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो ज्यादा रेट पे लोन लेना पड़ेगा, कम हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये रिस्क बना हुआ है क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है कुछ फ्यूचर की, जब फ्यूचर में कुछ मैं एक्शन लेने वाला होता हूं तो एक रिस्क बन जाता है, उस रिस्क को अगर आज ही हटाना है तो बहुत सारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आपके सामने अवेलेबल है, लाइक फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन एंड मेनी मोर आर अवेलेबल। टू ऑफ दीज इज गिवन आर गिवन इन दिस क्वेश्चन, फर्स्ट फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, सेकंड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। अब फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के बारे में जो डिटेल दी हुई है वो कुछ इस तरह से, आपको स्पॉट के रेट्स दिए हुए, यानी कि यहाँ के, अच्छा दो रेट दिए हुए, वो भी स्पॉट में भी दो, 3 महीने, 3/6 FRA में भी दो, 3/9 FRA में भी दो, ध्यान दो। जो आपको स्पॉट का रेट दिया हुआ है ना, जैसे अपन को कौन सा चाहिए मैं बताता हूँ, आज से ठीक 3 महीने बाद 6 महीने के लिए चाहिए, तो हमारा लोन पीरियड कब चालू होगा, आज से ठीक 3 महीने बाद, और कितने पीरियड बाद बंद होगा, आज से ठीक 9 महीने बाद। आज से ठीक 3 महीने बाद शुरू होगा, आज से ठीक 9 महीने बाद बंद होगा, यानी वो जो पीरियड है लोन का वो है 9 - 3 = 6, करेक्ट। तो हमको 3/9 FRA चाहिए, जो लास्ट वाले रो में दिया हुआ है। अब 3/9 FRA में आपको दो रेट्स दिए हुए, 5.64 और 5.94, ये दो रेट क्या अज्यूम करते हैं, कोई भी कोटेशन, इसको बोलते हैं कोटेशन जो बैंक ने हमको दिया, कोई भी कोटेशन में पहला वाला जो रेट होता है वो है बैंक का बाइंग रेट, और दूसरा वाला जो रेट होता है वो उसको बोलते हैं बैंक सेलिंग रेट, ठीक है। अब इसको बोलते हैं बाइंग रेट को बिड, इसको बोलते हैं आस्क, तो ये बैंक का है। अब आपको लोन चाहिए, आप बैंक आओगे तो आपको बैंक लोन देगी, आपको बैंक लोन बेचेगी, तो बैंक का सेलिंग रेट अप्लीकेबल है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करने आओगे तो आपसे बैंक लोन ले रही है ना, एक तरह से आपसे बैंक पैसा ले रही है, लेना मतलब बाय करना, तो बाय रेट लगेगा। अभी सिचुएशन आपको लोन चाहिए तो बैंक लोन देगी, देगी तो हमारे लिए जो रेट अप्लीकेबल है वो है 5.94, बाकी भूल जाओ, ठीक है। यानी कि आज आप बैंक आते हो, ये रहा आज की डेट में बैंक आते हो और बैंक को बोलते हो कि आज से ठीक 3 महीने बाद 6 महीने के लिए आप लोन लेके जाओगे, तो मैंने आपको रेट दे दिया, आई एम द बैंकर, आई एम ऑन द अदर साइड, मैंने आपको रेट दे दिया, भाई ये लो 5.94% पर एनम के हिसाब से आपको चुकाना पड़ेगा, लेकिन लोन सिर्फ 6 महीने के लिए चाहिए, हाँ ठीक है ना, 5.94 / 2 इतना लो, इंटरेस्ट दे देना, ठीक है, करेक्ट। अब आपको नीचे और डिटेल दी हुई है कि किस तरह से, क्वेश्चन फर्स्ट जो पूछा है वो है कि किस तरह से फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट जो आपने मेरे साथ में किया वो आपको हेल्प करेगा अगर आज से ठीक 3 महीने जब खत्म होंगे तब यहां पे इंटरेस्ट रेट इन दोनों में से अगर कुछ भी एक हुआ तो बताओ किस तरह से, ये जो FRA किया था ना आपने, मेरे साथ एग्रीमेंट किया था ना, वो आपको किस तरह से हेल्प किया, और क्या दिया हुआ है आपको, 4.5 अगर हुआ तो, और 6.5 हुआ तो, बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान दो। आपने मेरे साथ रेट फिक्स कर लिया 5.94, अब उस दिन 3 महीने बाद कुछ भी रेट हो मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो 5.94% से ही लोन मिलेगा। अब उस दिन आया, वो दिन आया और उस दिन मार्केट में 4.5% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, भाई साहब आप पछताओगे, क्यों, 5.94% में आपने फिक्स कर लिया, अगर आप FRA नहीं करते 3 महीने पहले तो आज, आज यानी यहां पे 6 महीने बाद, 3 महीने बाद आप 4.5% पे लोन ले सकते थे, लेकिन अब आपको 5.94 पे ही लोन लेना पड़ेगा, ये एक चीज। दूसरी चीज, अगर 6.5 हो जाता भाई बच गया, अगर आप FRA नहीं लेते तो आपको 6.5 में लोन लेना पड़ता,
लेकिन अब आपको सिर्फ 5.94 में ही लोन लेने मिल रहा है, तो ये आपका फायदा है। तो इस तरह से आप अपना रेट फिक्स कर लेते हो, ध्यान दो। एक्चुअल में क्या होगा मैं बताता हूँ, जिस किसी बैंक के साथ में आपने FRA किया होगा ना, तो वो जो बैंक है आपसे, अगर उसको प्रॉफिट होता रहेगा तो आपसे पैसा ले लेगी डिफरेंशियल अमाउंट इन दोनों के बीच का। अगर आपको प्रॉफिट होता हुआ रहा तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंशियल अमाउंट दे देगी, और एक्चुअल में लोन तो आप स्पॉट रेट पे ही लोगे। देखो कैसे मैं बताता हूँ, एक्चुअल में आप लोन लेने जाओगे तो इसी बैंक के पास ICICI, और FRA का जो एग्रीमेंट किया हुआ आपने इस बैंक के साथ किया है, या इस बैंक के साथ किया या किसी के साथ भी किया, जब आप लोन लेने जाओगे तो आपको ये तो 4.5 में ही मिलेगा या 6.5 में ही मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ ज़्यादा देना पड़ा 5.94 से, तो उतना रिटर्न आपको FRA दे देगा। लाइक 6.5% के लिए 5.94 और 6.5 का डिफरेंस निकाल लो, 6.54, 5.94, 0.56, ये FRA वाली पार्टी आपको देगी, क्योंकि मार्केट में आपने ज्यादा, आपको ज्यादा रेट पे लोन लेना पड़ रहा। 4.5 अगर गया तो आप दोगे, 5.94 होना चाहिए था, आपने तो सस्ते में लोन ले लिया 4.5 में, है ना, तो आपको अब देना पड़ेगा 1.44%, 4.5 और ये 5.94 का डिफरेंस, आपको 1.44 देना पड़ेगा अगर मार्केट में रेट 4.5 हुआ तो। लेकिन FRA में अगर 6.5 हुआ तो FRA वाली पार्टी आपको उतना लोन देगी। तो ध्यान दो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ FRA वाला केस, पार्टिकुलर्स पे करोगे टू बैंक फॉर लोन, लोन तो आपको 4.5 और 6.5 से ही मिलेगा। FRA में आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब पहले वाले केस में आपको लॉस होगा, क्योंकि FRA 5.94 था, आपको तो 4.5 में ही मिल गया, तो आपको देना पड़ेगा अब 1.44। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, 6.5 माइनस 5.94, सॉरी 5.94 माइनस 6.5, तो वो आ जाता है 0.56। नेट कॉस्ट आपकी फिक्स हो चुकी है, कितनी, 5.94%, 5.94%, दिस इज पर एनम, दस फिक्सिंग द इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोविंग इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पॉट रेट्स। स्पॉट रेट्स भले कुछ भी हो, आपको तो 5.94 ही देना है, कहीं कम देना पड़ा तो इधर एक्स्ट्रा चला जाएगा, अल्टीमेटली 5.94, कहीं ज़्यादा देना पड़ा तो इधर से वापस मिल जाएगा, अल्टीमेटली 5.94। सो दिस इज़ अ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, कैन बी यूज टू फिक्स द इंटरेस्ट रेट्स फॉर द लोन दैट यू विल यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग आफ्टर 3 मंथ्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स।
So note down these answers and then we'll move to the second part of this question, interest rate futures. Bye bye. आइए सेकंड पार्ट देखते हैं आप. सेकंड पार्ट इज फॉर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर. अब हमको बताना है किस तरह से इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स काम आएंगे हमारे लोन लेने वाले पर्पज में. अब ध्यान दो, इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत है. पहली बात तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, ये ध्यान में रख लेना. प्राइस ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, सो एफ इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट माइनस इंटरेस्ट रेट. तो अपने वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि अभी फ्यूचर की प्राइस कितनी दी है, 94.15. ये कैसे आई, 100 माइनस इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, 5.85%. तो 94.15 प्राइस आई. ठीक है, अब हमको लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, ये तो समझ में आ रहा है आपको. अगर ये बढ़ा इंटरेस्ट रेट तो फ्यूचर की प्राइस कम हो जाएगी. अगर ये 10% हो गया तो फ्यूचर की प्राइस 90 हो जाएगी. सो दिस इज इन्वर्सली रिलेटेड. प्राइस ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट. ठीक है, ओके. तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे प्राइस गिरेगी, ये तो कन्फर्म है, मान रहे हो आप. अब आपको चाहिए लोन. लोन लेते समय डर क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं तो ज़्यादा रेट पे इंटरेस्ट लेना लोन लेना पड़ेगा. आप नहीं चाहते. आपको एक्सपेक्टेशन क्या है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं. ठीक है, ठीक है. अगर आपको एक्सपेक्टेशन है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले, इसका मतलब फ्यूचर की इंटरेस्ट रेट की प्राइस गिरने वाली है, ये भी एक्सपेक्टेशन है, पता चल जाएगी. क्योंकि आपको पता है ये बढ़ने वाले है, इसका मतलब आपको ये भी पता है कि ये प्राइस गिरने वाली है. और अगर आपको लग रहा है कोई प्राइस गिरने वाली है तो आज जो भी प्राइस है उस पर फ्यूचर्स बेचना पसंद करोगे कि खरीदना पसंद करोगे? बेचना पसंद करोगे, क्योंकि यहाँ से प्राइस कभी आगे बढ़ेगी नहीं. तो खरीदो मत, बेचो ये प्राइस पे, बेचो. अगर आपने बेचा और प्राइस जैसे एक्सपेक्ट किया वैसे अगर गिर गई तो गिरी हुई प्राइस पे आपको सेटलमेंट या सेटल करने के लिए खरीदना पड़ेगा. तो मान लो 94.15 में बेचा, 90 में खरीदा, तो फायदा होगा. आया समझ में? सो यू विल सेल फ्यूचर्स. इन केस ऑफ बोरोइंग risk is increase in interest rates. ठीक है, thus futures price is expected to fall. Hence sell futures now and buy back at lower price on maturity. So what you are going to do is sell futures. Ab number of contracts, हमको कितनी वैल्यू कवर करनी है टू बी कवर्ड. कॉन्ट्रैक्ट साइज, अब देखो दिक्कत बताता हूं क्या है. लोन आपको चाहिए 6 महीने के लिए, लेकिन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स अवेलेबल है सिर्फ 3 महीने के लिए. कैसे 6 महीने की चीज को 3 महीने की चीज से
हेजिंग करोगे या कवर करोगे कैसे, बताता हूँ। एक बेसिक कंसेप्ट का एग्जांपल लेते, मान लो आपने लोन लिया 6 महीने के लिए 100 रुपये, कितने परसेंट पे, 12% पर एनम पे। तो 6 महीने के हिसाब से आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 100 × 12%, 12 × 1/2, 6 महीने के लिए हो गया आपका वो 6 रुपये। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स ले रहे हो तो कितनी अमाउंट कवर करनी ज़रूरी है, याद है आपको कुछ, जब हम पोर्टफोलियो की वैल्यू कवर करते थे, अगर हमने 4-5 शेयर खरीद के रखे हैं यहाँ पे और उसके लिए हमको फ्यूचर्स यूज़ करना पड़ता था हेजिंग करने के लिए, तो हम यहाँ की वैल्यू को उसके बीटा से मल्टीप्लाई करते थे ताकि वो इसके हिसाब से प्रॉपरली हेजिंग हो जाए। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, 6 महीने को 3 महीने से कवर करना है, तो यहाँ पे डबल वैल्यू का ट्रांजेक्शन करना ज़रूरी है। यानी यहाँ अगर आप 200 वैल्यू का ट्रांजेक्शन करोगे तो उस पे 12%, और ये 6 महीने था इसलिए 1/2, ये 3 मंथ्स है इसलिए 1/3, तो ये भी आएगा 6 रुपये, अब जाके बराबर आएगा। यानी व्हाट यू हैव टू डू इज डबल, क्योंकि 6 महीने का 3 महीने हैं। हाँ, अगर ऐसा रहता कि 12 महीने का 3 महीने, तो 4 गुना करना पड़ता। सो दिस इज बिकॉज, ये सब अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो यहाँ मैं ले लूँगा कि ड्यूरेशन ऑफ लोन एंड फ्यूचर्स का पीरियड कितना है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। वैल्यू टू बी कवर्ड 50 मिलियन, कॉन्ट्रैक्ट साइज 50,000 यूरो, ड्यूरेशन 6 महीना, ये 3 महीना, तो आपका आएगा 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। आया समझ में? अब पर्टिकुलर्स, अब एक्चुअल में उस दिन रेट कितने हो जाते हैं, 4.5 और 6.5, तो क्या होएगा? आपने सेल किए थे फ्यूचर्स 94.15 में, वो रहे 94.15, और सेल वाला डिसीजन यहाँ लिया। आप बाय बैक करोगे टू क्लोज द ट्रांजेक्शन, बाय बैक करोगे तो प्राइस कितनी रहेगी, 100 − 4.5, प्राइस वैसे ही निकालते 100 − इंटरेस्ट रेट, और उस दिन इंटरेस्ट रेट 4.5 है, यहाँ पे भी वैसे ही 100 − 6.5। तो देखो लॉस और गेन, पहले वाले में देखो आपको लॉस हो रहा है क्योंकि कम में बेच के ज्यादा में खरीदा है, दैट्स 1.35% आएगा, 0.65% आएगा, ठीक है। तो और ये तो सिर्फ फ्यूचर्स का सेटलमेंट है, पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट एट एक्चुअल रेट्स, एक्चुअल में तो आप लोन लोगे वो जाएगा आपका 4.5 और 6.5, ये तो गेन है। जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में एफआरए का तो पेमेंट करना ही पड़ा, प्लस गेन और लॉस सेटल हो गया। दिस इज फ्यूचर्स मार्केट का सेटलमेंट, दिस इज स्पॉट रेट फॉर लोन। तो देखो 5.85%,
5.85%, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ थ्रू इंटरेस्ट रेट फ्यूचर वी हैव फिक्स्ड, हमने फिक्स कर लिया क्या इंटरेस्ट रेट का पेमेंट, रिस्पेक्टिव ऑफ स्पॉट रेट क्या है 5.85%, आया समझ में? बेसिक और कुछ नहीं था, आपको बस आप बोलोगे यार ये तो 5.85 पहले भी दिया हुआ था, फिर फॉरवर्ड एग्रीमेंट में भी पहले, फॉरवर्डेड एग्रीमेंट में भी पहले ही रेट दिया हुआ था, फिर इतना सारा कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है? हाँ, दे डोंट वॉन्ट यू टू गिव दिस आंसर, दे वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन थिंग्स, टू शो और टू रिप्रेजेंट हाउ इंटरेस्टेड फ्यूचर्स वर्क, हाउ फॉरवर्डेड एग्रीमेंट वर्क्स। उनको ये फाइनल आंसर नहीं चाहिए, 5.85 ना पहले ही दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है? सो दिस इज नॉट द आंसर, द आंसर इज हाउ द वॉट इज द प्रोसीजर अंडर इंटरेस्टेड फ्यूचर, वॉट इज द प्रोसीजर अंडर फॉरवर्डेड एग्रीमेंट। क्या आपको पता है कि ये फॉरवर्ड की प्राइस कैसे निकालते हैं? क्या आपको पता है क्यों ये डबल लेना पड़ रहा है? दिस इज वॉट इज इंपॉर्टेंट। क्या आपको पता है सेल के बाद बाय क्यों लिया? क्योंकि क्लोज करना था। दिस इज वॉट इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वॉट दे वॉन्ट टू नो इन योर एग्जाम, सो यू शुड नो द कंसेप्ट। वॉट इज बेसिकली वॉट दे आर आस्किंग इज द कंसेप्ट। सो दिस इज हाउ वी गो। If you have any doubt in this question, so obviously ask. The first part was the forwarded agreement, and the second part is this interest rate futures. So note down the answer, and then we'll meet again in the next lecture. Bye bye.